अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, देख रही हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 15.3 पर, जहाँ पर हमें क्या करना है, कार्टिजन को पोलर में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं आपको जो चीज़ें थी वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, कि हम लोग कार्टिजन को पोलर में किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे हम लोग dy और dx को dr और dθ से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और जब भी हम लोग एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, ऑफकोर्स r और साथ में dr बाई dθ, जिस तरह से हम लोग हमेशा से एरिया फाइंड करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इन चीज़ों की बात हो गई। अब कार्टिजन को पोलर में चेंज किस तरह से करेंगे, चलिए वो चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी पे हम लोग ये वाली एग्जांपल कर लेंगे कि किस तरह से कार्टिजन को पोलर में चेंज किया जाता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही ले लिया एक्सरसाइज का, एंड वहीं से हम लोग फाइंड करेंगे हाउ टू चेंज कार्टिजन इंटू पोलर। तो यहाँ पर हमें जो लिमिट है, डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, लिमिट जो है वो हमें क्या दी गई है, यहाँ से 1 और -1, यहाँ पर स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 0 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं, ये तो हमारे पास डी आर और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा दिस लिमिट। अब इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0 तो 0 ही रहेगा। अब अगर हम लोग स्क्वेयर रूट को देख लेते, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, एंड देन हम लोग वाई, ठीक है, एंड देन हम लोग स्क्वेयर रूट लगाएंगे, मतलब स्क्वेयर लगाएंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ गया। अब एक्स उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कल है, यानी हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट, 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल रफ से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारे पास है सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट, 1। ठीक है, नैन हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो है 1 और -1 से। तो अगर हम देखें 1 और -1, तो ये हमें क्या देते हैं, हमें 0 देता है। दिस विल गिव पाई एंड दिस विल गिव पाई बाई 2 एंड दिस विल गिव 3π/2, जैसे कि मैंने पहले भी शायद बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई से 0π तक हमारी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पाई से 0π तक हमारी लिमिट हो जाएगी, एंड जो दूसरी लिमिट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 से 1 हो जाएगी, बिकॉज वी फाइंड द रेडियस ऑफ 1। तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इनटू कार्टिजन में, पोलर में सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस लिमिट विल बिकम व्हाट, दिस लिमिट विल बिकम 0 टू पाई एंड दिस विल बिकम 0 टू व्हाट, 1 रेडियस आर, एंड देन वी हैव टू राइट आर एंड डी आर डी थीटा व्हाट। बट आर कहाँ से आया, आर हमारे पास आया है फॉर द फॉर्मूला एरिया इन पोलर। ठीक है, तो एरिया इन पोलर हमारे पास है, तो हमारे पास आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में डी आर बाई डी थीटा। तो इसको हमने चेंज कर दिया है पोलर इंटू कार्टिजन इंटू पोलर। ठीक है, तो इसी तरह आपको ग्राफ को समझना होगा कि ग्राफ हम लोग के पास इसी फंक्शन का किस तरह से बनता है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम लोग इसको चेंज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, कि हमारे पास ये ग्राफ कैसे बनेगा एंड फंक्शन हम लोग किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ही जर्नल चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, कार्टिजन से पोलर में चेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन, व्हाट वी विल राइट, दिस 0 टू पाई एंड दिस वन विल बी 0 टू 1 एंड द फंक्शन इज आर एंड डी आर बाई डी थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी आर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0 टू पाई कंटिन्यू रहेगा। आर है हमारे पास, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर टू, यहाँ पर आ जाएगा 0 टू 1 एंड डी ऑफ थीटा विल बी कंटिन्यू, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 टू पाए, वही कंटिन्यू रहेगा। लिमिट पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1/2 माइनस 0 एंड डी ऑफ थीटा। नाउ वी विल पुट द अदर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, वहाँ पर चलते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, 0 टू पाए 1/2 माइनस 0 डी ऑफ थीटा। नाउ 0 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, 0 टू पाई रह जाएगा,
ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा डी ऑफ टीटा। एज वी सी कि 1/2 ही कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास बाहर आ जाएगा इन इंटीग्रल, हमारे पास रह जाएगा डी ऑफ टीटा पे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड डी ऑफ टीटा से हमारे पास क्या आ जाएगा टीटा विद द लिमिट 0 to π। ठीक है, तो 0 to π की लिमिट है हमारे पास टीटा की। नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा पाए माइनस जीरो, तो वी विल गेट पाए बाय टू। एंड दिस इज अवर आंसर फ्रॉम कार्टीजन इनटू पोलर इंटरचेंजिंग ऑफ डबल इंटीग्रल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम लोग इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हमारे पास होगी कार्टीजन इनटू पोलर की। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।